कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा? आखिर क्या वजह है? इतने महीने हो, डेढ़ महीना होने जा रहा है और अब तक जो है विस्तार नहीं हुआ, ना ही कोई होने की कोई सूचना किसी को है। क्या है कि ये सरकार बनी है केवल हम लोगों को गाली देने के लिए? कोई भी एक निर्णय जो है ये सरकार ले नहीं पा रही। जिस हिसाब से हम लोगों ने 17 महीने में निर्णय लिया, नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार में जहां नीतीश कुमार 7 मार्च को विदेश दौरे पर जाने वाले हैं, तो विदेश दौरे पर जाने से पहले कैबिनेट का विस्तार नीतीश कुमार ने नहीं किया है। नीतीश कुमार ने आरजेडी से महागठबंधन तोड़ दिया। आरजेडी से महागठबंधन तोड़ने के बाद 17 महीने में ही सरकार बदल दी, यहां पर पाला पलट लिया और एनडीए के साथ जाकर जुड़ गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाकर जुड़ गए और जुड़ने के बाद देखा गया कि यहां पर अब क्या होगा। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए एनडीए के समर्थन से। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर तो ये कहा जाता था कि विधानसभा का चुनाव होता है या उसके बाद नीतीश कुमार अपना फायदा देखने के लिए किसी भी पार्टी के साथ जाते, तो ऐसे में देखा गया कि नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार साथ ही साथ कर देते हैं, यानी कि तय हो जाता है कि किन किन विधायकों को शामिल किया जाएगा, किन किन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। 8 मंत्री हैं, 8 मंत्री को ही मौजूदा वहां पर रखा गया है जिन्होंने शपथ ली है, जिसमें से 2 मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद है। तो अब ये चर्चाएं हैं कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा। और जब इस बात को लेकर तेजस्वी यादव से पूछा जाता है तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर साबित होते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं देखिए जरा। लेकिन सवाल उठता है कि ये सरकार बनी है केवल हम लोगों को गाली देने के लिए? कोई भी एक निर्णय जो है ये सरकार ले नहीं पा रही। जिस हिसाब से हम लोगों ने 17 महीने में निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया, जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण के सीमाएं जिस हिसाब से बढ़ाई, नौकरियों की बात करते थे, डेढ़ रात बजे जाकर के अस्पताल में हम लोग छापा मारते थे, तो कहीं भी जो मौजूदा सरकार में लोग जो बैठे हैं उनका इंटरेस्ट जो है केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली देने में ही है। 1-1.5 महीना से कोई काम नहीं हो रहा और जो बजट भी आया वो बजट में हम ही मंत्री लोगों का साइन था, जो केवल भाजपा के वित्त मंत्री जो हैं वो पढ़े हैं, वो हम ही लोगों का काम का गुणगान जो है वो लोग कर रहे थे। ये बजट मैं देखे तो कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के थे, कांग्रेस के थे, तो हम ही मंत्रियों का साइन जो हम ही लोगों ने भेजा। खैर ये बातें अलग हैं, लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और बिहार से हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम आज बुलाएं ताकि आपके माध्यम से हम लोग बिहार की जनता को धन्यवाद दें, चाहे कोई वर्ग के हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इस रैली में रहा। तेजस्वी यादव को आपने सुना। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर हमला साधा। नीतीश कुमार पर हमला साधते हुए तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ धोखा देना जानते हैं। अब नीतीश कुमार विदेश दौरे यानी कि इंग्लैंड में जाने वाले हैं, वहां पर 3-4 दिन रहेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है, नीतीश कुमार पर सवाल दागे जा रहे हैं कि विदेश दौरा इतना ज्यादा जरूरी है जब एनडीए में टूट की कगार पहुंच चुकी है, एनडीए में सहयोगी दल किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये चेहरे सामने आ गए हैं जो बगावत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार को पड़ी है सिर्फ और सिर्फ विदेश दौरे की।
तो नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और यहाँ पर सीटों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, फिर से सुनिए जरा। हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा, अंतिम चरण में चिंता नहीं। ठीक है, इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात है, तब की बात। भूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं एक जी का परिवार, भूषण शरण सिंह जितने महिलाओं का शोषण का आरोप है, उन्होंने भी कहा कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब देखिए, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं, ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितने कारखाने दिए, आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया, आपने पलायन रोका कि नहीं रोका, आपने क्या इंडस्ट्री निवेश बिहार के लिए क्या लाया, आपको इस मुद्दों पर जो है कितनी गरीबी आपने हटाने का काम किया, आपको इन मुद्दों पर जो है लोगों को बात करनी चाहिए। इस पर तो सारा बात आ ही गया है, इस पर क्या कहना, कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ क्या कहना। अब तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार पर हमला साधा है, क्या मान लिया जाए कि अब नीतीश कुमार खतरे में है, नीतीश कुमार की पार्टी खतरे में है, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अब टूटने वाली है, जैसा कि खुद यहां पर आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोशिशों में लगी है कि नीतीश कुमार के 30 विधायकों को तोड़ दे। तो क्या अब ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें बिहार में साफ हो रही हैं कि जेडीयू ने पाला तो पलटा लेकिन मुश्किलें अपने लिए खड़ी कर दी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।